महाराष्ट्र में सत्ता का खेल बड़ा ही दिलचस्प होता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कल यानी कि 27 तारीख को फडणवीस सरकार को बहुमत साबित करने के लिए निर्देशित किया था, लेकिन उससे पहले ही अजीत पवार ने अपने पद से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया है। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस के सामने भी सिर्फ इस्तीफा देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के बिछाए जाल में बीजेपी ऐसे फंसेगी किसी ने सोचा भी नहीं था। दरअसल कल ही इन तीनों दलों ने मुंबई के होटल ग्रैंड हयात में 162 विधायकों की मीडिया के सामने परेड कराई और सबको शपथ भी दिलाई कि वे अपने ही पार्टी के प्रति निष्ठा रखेंगे। हालांकि शक्ति प्रदर्शन के बाद भी बीजेपी आश्वस्त थी कि वो सदन में बहुमत साबित कर लेगी, लेकिन शरद पवार की प्लानिंग ने बीजेपी के इस दावे की हवा निकाल दी। हालांकि बीजेपी ने तीनों दलों के शक्ति प्रदर्शन और शपथ ग्रहण पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं और शिवसेना को भी आड़े हाथों लिया है। इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी के विधायक आशीष शेलार ने जो बयान दिया, उनके मुताबिक पहचान परेड आरोपी व्यक्तियों के मामले में की जाती है, निर्वाचित विधायकों के मामले में नहीं। ये विधायकों और उन लोगों का अपमान है जिन्होंने उन्हें चुना है। मैं तो कहता हूं कि होटल में बहुमत का आंकड़ा 145 विधायक भी नहीं थे, क्योंकि किसी ने एक एक विधायक की गिनती नहीं की है। आदित्य ठाकरे ने सोनिया गांधी के नाम पर शपथ ली है, ये बाला साहेब की शिवसेना नहीं है। आपको बता दें कि भारतीय राजनीति में ऐसा पहली बार हुआ जब विधायकों के संख्या बल को दिखाने के लिए किसी होटल में विधायकों की परेड करवाई गई, जबकि अब तक राज्यपाल के सामने विधायकों की परेड होती रही है। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने संयुक्त रूप से सोमवार को अपने 162 विधायकों की सार्वजनिक परेड मीडिया के लिए आयोजित की थी। इन दलों ने ऐसा बीजेपी और उसके सहयोगी एनसीपी के अजीत पवार गुट के 170 विधायकों के संख्या बल वाले दावों को झूठा साबित करने के लिए किया था। ये परेड सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार की सुबह इन पार्टियों की याचिका पर सुनवाई से महज 12 घंटे पहले कराई गई थी, लेकिन अब इस परेड पर बीजेपी ये कहकर सवाल दाग रही है कि शिवसेना विधायकों और खुद आदित्य ठाकरे ने सोनिया गांधी के नाम की शपथ ली, इसलिए ये बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना नहीं हो सकती। महाराष्ट्र में एक महीने से भी ज्यादा वक्त से चल रही ये सियासी नौटंकी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। इस नौटंकी में हर रोज हर घंटे कोई न कोई नया मोड़ आ जा रहा है। वीके न्यूज की रिपोर्ट।